नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट एंड विजन द लर्निंग में। मैं ब्रिजलाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके फिर उपस्थित हूँ। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि एबेकस पे एडिशन के जो सम्स होते हैं उनमें अनेक बार सब्ट्रैक्शन के रूल्स भी अप्लाई होते हैं, तो किस तरह से हम रूल को अप्लाई करते हैं उसके हमने प्रैक्टिस भी किया था। तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, कुछ सम्स को लेकर, एडिशन के कुछ क्वेश्चंस को लेके, और अप्लाई करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स उसमें दोनों जहां जहां जरूरत हो, ताकि एक अच्छे से हमारी उसकी प्रैक्टिस हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अबेकस पे पहला क्वेश्चन लिखते हैं जो है 439। तो 400, हंड्रेड में फोर सेट कर दीजिए, टेंस में थ्री और वंस में नाइन। 439 प्लस 682, 682, 439 प्लस 682 प्लस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हाईएस्ट जो यूनिट है वो जो पहला नंबर है उसमें 100 और दूसरे में भी है 100। तो 100 में 100 प्लस करेंगे, 100 में 100 प्लस करेंगे, 4 में प्लस करना है हमें 6। तो 4 में 6 प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 का जो रूल, जिस संख्या को, जिस डिजिट को प्लस करना होता है उसी का रूल अप्लाई होता है। तो 6 का रूल अप्लाई होगा जो होता है सेट वन इन लेफ्ट साइड क्लियर फोर। फोर को हमने क्लियर कर दिया और उसके लेफ्ट साइड में वन बीट सेट कर दिया। आइए टेंस में हमारे पास है थ्री, थ्री में हमें प्लस करना है एट। तो थ्री में एट प्लस करने का जो रूल होता है वो होता है सेट वन इन लेफ्ट साइड और क्लियर टू। तो टेंस में से टू को हमने क्लियर कर दिया और उसके लेफ्ट साइड मीन हंड्रेड में हमने क्या कर दिया, वन बीट सेट कर दिया। अब आइए वंस में, वंस में हमारे पास नाइन, नाइन में हमें टू प्लस करना है। तो टू का जो रूल होता है वो होता है क्लियर थ्री सेट फाइव। तो थ्री को तो क्लियर कर दिया और फाइव को हमने क्या करना है, सेट करना है। लेकिन फाइव ऑलरेडी सेट है, पांच पहले से हमारे पास अवेलेबल है, तो पांच सेट नहीं हो पाया तो वहां पे पांच का नियम लग जाता है। जबकि पांच लिखा हुआ है फिर भी हमें उसमें पांच लिखना है, तो पांच का नियम लगता है जो होता है सेट वन इन लेफ्ट साइड और क्लियर फाइव, सेट वन इन लेफ्ट साइड और क्लियर फाइव। तो हमने टेंस में वन बीट को सेट कर दिया और ऊपर से क्या कर दिया, फाइव को क्लियर कर दिया वंस में से। तो आपका आंसर आ गया 1121, 1121। चलिए क्लियर कर दीजिए। और अगला सवाल, पहले ऐसा कीजिए आप पेपर पेन लेके पेपर पे सवाल को लिखिए, उसके बाद हम इस पे सॉल्व करेंगे और फिर मिलान करेंगे उसके आंसर्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 893, हंड्रेड में एट, टेंस में नाइन और वंस में थ्री। और सेकेंड नंबर है 486, 486 लिख लीजिए नंबर। 893 प्लस 486, 893 प्लस 486। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, हंड्रेड्स में हंड्रेड प्लस करेंगे, नाइन है हमारे पास, सॉरी एट है हमारे पास, और एट में हमें प्लस करना है फोर, एट में हमें प्लस करना है, एट में हमें प्लस करना है फोर। तो जो फोर का जो रूल होता है, फोर प्लस करने का रूल होता है क्लियर वन सेट फाइव। इन सेट फाइव पांच सेट कर दो और एक क्लियर कर दो। वन हमने क्लियर कर लिया लेकिन अब सेट फाइव करना है हमें। तो फाइव सेट करने के लिए फाइव पहले से सेट है हमारे पास, तो वहां पे फाइव का रूल लग जाएगा जो होता है सेट वन इन लेफ्ट साइड और क्लियर फाइव। तो हंड्रेड में से हमने फाइव को क्लियर कर दिया और थाउजेंड में हमने वन सेट कर दिया। चलिए आइए टेंस में हमारे पास है नाइन, प्लस करना है एट। तो नाइन में एट, एट का जो रूल होता है वो होता है सेट वन इन लेफ्ट साइड और क्लियर टू। टेंस में से टू क्लियर कर दिया और हंड्रेड में क्या कर दिया हमने, वन बीट सेट कर दिया। वंस में आइए, वंस में हमारे सिक्स प्लस करना है, तो हमारे पास सिक्स बीट्स अवेलेबल है ऑलरेडी, तो हम सिक्स सेट कर देंगे। तो आंसर बन जाएगा 1379, 1379, 1379। तो आप अपना जो पेपर में आपने क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करके उस एडिशन करके अपना आंसर चेक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1379। तो जैसे जैसे रूल्स आपको कंठस्थ हो जाएंगे, अच्छे से उनकी समझ आ जाएगी, उनको अप्लाई करना सीख जाओगे, तो क्वेश्चंस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला सवाल थोड़ा सा और मुश्किल ले रहा हूं, आप ध्यान से देखें और बार बार देखें वीडियो को ताकि आप अच्छे से इन सवालों को अबेकस पर सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन है 634, 634, 634 प्लस 892,
प्लस 892, 634 प्लस 892। अब सबसे पहले हंड्रेड में 100 प्लस करना है, तो 6 में हमें प्लस करना है 8। तो 8 का रूल क्या होता है? 8 का रूल होता है क्लियर 2 सेट 1 इन लेफ्ट साइड। तो आपने लेफ्ट साइड में मैंने 1 तो सेट कर लिया, अब यहां से क्लियर 2 करना है, तो 2 का जो क्लियर करना है मीन्स तो माइनस करना है, तो माइनस का जो 2 का रूल होता है वो होता है क्लियर 5 सेट 3। तो क्लियर 5 कर लिया और सेट यहां पे 3 कर लिया, ठीक है। अब आइए टेंस में, टेंस में हमारा 3, 3 में प्लस करना हमें 9 प्लस करना है, तो 9 प्लस करने का रूल क्या होता है? 9 प्लस करने का रूल होता है सेट 1 इन लेफ्ट साइड और क्लियर 1। तो टेंस में से 1 तो क्लियर कर लिया, अब लेफ्ट साइड में 1 सेट करना है, तो 1 सेट करना है। यहां पे हमारे पास 1 बीड अवेलेबल नहीं है, 4 है हमारे पास, तो 4 में 1 बीड सेट करना है, तो 1 का रूल लग जाएगा जो होता है सेट 5 क्लियर 4। टेंस को प्लस कर लिया, अब आइए 1s में हमारे पास है 4, 4 में प्लस करना है हमें 2, 4 में प्लस करना है 2। तो 2 प्लस करना है, तो 2 का रूल क्या होता है? 2 का रूल होता है क्लियर 3 सेट 5, क्लियर 3 सेट 5। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा इसमें एडिशन के साथ साथ एक जगह सब्ट्रैक्शन का रूल भी अप्लाई हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा और बार बार देखिएगा ताकि आप रूल्स को अप्लाई करना अच्छे से सीख जाएं। तो आप आंसर देख सकते हैं 1526 मीन्स 1526 इसका आंसर है। आप उसके आंसर का अपने जो अपने पेपर पे लिखा है उसके साथ मिलान भी कर सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें ताकि अच्छे से आपके जो अभिकस में आप अच्छे से एडिशन के सम्स को करना सीख लें। अब फिर उम्मीद करता हूं कि आप सभी से कि आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और रूल्स को अप्लाई करोगे ताकि हम अभिकस में जो एडिशन के सम्स हैं उसमें अपनी कमांड हासिल कर सकें। तो अब अगले सप्ताह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।